बोली एक अनमोल है जो कोई बोले जाने। दोस्तों, कबीर दास जी की यह पंक्तियां हमें वाणी के महत्व के बारे में बताती हैं। हमारे शब्द ही हैं जो समाज में हमारी पहचान बनते हैं। इसीलिए कबीर दास जी कहते हैं कि अगर कोई बोली के महत्व को जानता है तो वो ये भी जानता है कि कब क्या बात करनी चाहिए और कैसे बात करनी चाहिए और कब बात नहीं करनी चाहिए। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास ज्ञान और शब्दों का भंडार तो होता है, लेकिन अपने बातों को व्यक्त करने में उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चाहकर भी कुछ लोग अपनी बातों को सही तरीके से लोगों के सामने नहीं रख पाते। ज्योतिष में इसे वाणी दोष कहा जाता है और कुछ उपाय करके इसे दूर भी किया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन आपका एस्ट्रो दोस्त स्वागत करता हूँ आप सभी का NBT लाइफ में। आज हम आपको जानकारी देंगे कुंडली में मौजूद वाणी दोष के बारे में और साथ ही बताएंगे कुछ ऐसे उपाय जिससे सामाजिक स्तर, करियर, हर क्षेत्र में आपको सुखद परिणाम अपनी वाणी के जरिए मिल सकते हैं। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली के द्वितीय भाव को वाणी का भाव कहा जाता है। इस भाव का स्वामी यदि कुंडली में प्रतिकूल अवस्था में है या किसी क्रूर ग्रह जैसे शनि, मंगल, राहु, केतु के साथ विराजमान है या फिर क्रूर ग्रहों की दृष्टि द्वितीय भाव यानी कि वाणी के भाव पर पड़ रही है या वाणी के भाव के स्वामी पर पड़ रही है, तब व्यक्ति को अपनी बातों को व्यक्त करने में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही द्वितीय भाव पर क्रूर ग्रहों की दृष्टि हो तो आप कई बार चाहकर भी अपनी बात कहने में हिचकिचाने लगते हैं। इसके साथ ही बुध की स्थिति कुंडली में कमजोर हो तब भी व्यक्ति शब्दों का जादू बिखेर पाने में परेशानियों का सामना कर सकता है। इसके साथ ही कुंडली का प्रथम भाव यदि क्रूर ग्रहों के प्रभाव में है तो उसके कारण भी अपनी भावनाएं व्यक्त करने में व्यक्ति को दिक्कतें आ सकती हैं। ऐसे लोगों के आत्मविश्वास में भी कमी देखी जाती है। ज्योतिष के अनुसार कुंडली में ग्रहों की ऐसी स्थिति ही वाणी दोष बनाती है। आप भी यदि अपनी वाणी का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते, अपनी बातों को रखने में आत्मविश्वास की कमी महसूस करते हैं तो आपको कुछ उपाय करने चाहिए। वाणी के प्रभाव को बढ़ाने के लिए आपको माता सरस्वती की पूजा आराधना करने से फायदा मिलता है। यदि विद्यार्थी हैं तो अपनी पढ़ने की टेबल पर माता सरस्वती की तस्वीर अवश्य रखें। दोस्तों, लग्न भाव और द्वितीय भाव के स्वामी के बीज मंत्रों के जब से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आप अपनी बातों को खुलकर कह पाते हैं। दोस्तों, कुंडली का लग्न भाव आत्मविश्वास का कारक माना जाता है। लग्न भाव का जो भी स्वामी होगा उसके बीज मंत्रों का जप करने से आपको लाभ प्राप्त होते हैं। दोस्तों, लग्न भाव कुंडली का प्रथम भाव होता है। आपके प्रथम भाव का जो भी स्वामी होगा, मान लीजिए आपकी कुंडली के प्रथम भाव में 8 लिखा है यानी कि 8वीं राशि वृश्चिक है, इसलिए आपको मंगल के बीज मंत्र का जप करना चाहिए। इससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। इसके साथ ही द्वितीय भाव का स्वामी, मान लीजिए आपके द्वितीय भाव में 9 अंक लिखा है यानी कि आपकी द्वितीय भाव की राशि बनेगी धनु और धनु राशि का स्वामी बृहस्पति ग्रह है, इसलिए आपको अपने वाणी के प्रभाव को बढ़ाने के लिए गुरु के बीज मंत्रों का जप करना चाहिए या गुरु से जुड़े उपाय करने चाहिए। इससे आपकी वाणी में निखार आएगा, साथ ही आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। गणेश जी की पूजा करने से भी वाणी का दोष हटता है। यदि आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें तो इससे भी आपको लाभ प्राप्त हो सकते हैं। इससे शब्दों का सही तरह से उच्चारण करने की क्षमता भी आप में आती है। हनुमान चालीसा का पाठ आपको मध्यम आवाज में करना चाहिए, तभी आपको इसका अच्छा लाभ मिलेगा। दुर्गा माता के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा आराधना करने से भी वाणी दोष से मुक्ति मिलती है। जो लोग हकलाते हैं उनके लिए माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करना बहुत लाभदायक सिद्ध हो सकता है। इन ज्योतिषीय उपायों के अलावा आपको योग ध्यान का सहारा भी लेना चाहिए। इससे आपके अंदर व्याप्त नकारात्मकता दूर होती है और आप अपनी बातों को खुलकर लोगों के सामने रख पाते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें NBT लाइव। नमस्कार।